अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय फेलोज एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनपीएस ऑफिशियल 19। स्टूडेंट्स, इन आवर लास्ट वीडियो वी हैव स्टडीड द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स। सो इन दिस वीडियो वी विल स्टडी द क्लासिफिकेशन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। तो जिस तरह हमने वर्टिब्रेट्स को डिवाइड किया था डिफरेंट ग्रुप्स में, इसी तरह हम क्या करेंगे, इनवर्टिब्रेट्स को भी डिवाइड करेंगे डिफरेंट ग्रुप्स में, जैसे कि स्पॉन्जेस, वर्म्स, इंसेक्ट्स, मलुस्क्स एंड इकाइनोडर्म्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आवर फर्स्ट ग्रुप इज स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस क्या है? एक्वेटिक एनिमल्स हैं। एक्वेटिक मीन्स जो पानी में रहने वाले हैं, ठीक है, वो पानी में ही रहते हैं और उनका सर्वाइवल, उनका रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, डेवलपमेंट, सब कुछ जो है वो पानी में ही होता है। एंड मोस्ट ऑफ देम लिव इन द ओशन। और वो कहाँ पर रहते हैं? ओशन में। देखिए, पानी भी जो है वो डिफरेंट उसके एनवायरनमेंट है, ठीक है, लेक्स, रिवर, कैनाल्स, ओशन, सीज। तो स्पॉन्जेस जो है वो कहाँ पर रहते हैं? ओशन में रहते हैं। दे आर ऑफ वेरियस कलर्स, ठीक है, आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं, ब्लू, येलो, डिफरेंट कलर्स के ये होते हैं। और ये यूजली क्या होते हैं? अटैच होते हैं स्टोन्स के साथ ही अटैच रहते हैं। द बॉडी इज फुल ऑफ पोर्स, यानी छोटे छोटे सुराख होते हैं बॉडीज़ में, एंड कैनाल्स इंटरनली वाटर एंटर्स टू द पोर्स एंड एग्जिस्ट टू द लार्ज पोर। जो पानी होगा वो पोर्स के थ्रू ही एंटर होगा और एग्जिट कहाँ से करेगा? लार्ज पोर के थ्रू ही एग्जिट करेगा। इफ एनी बॉडी ये पार्ट ब्रेक्स, दे कैन फॉर्म इट अगेन। अगर इनकी बॉडी का कोई पार्ट जो है वो कट जाता है, ठीक है, टूट जाता है, तो वो उससे दोबारा रीजनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। ये क्या थे? स्पॉन्जेस थे। और ये इनकी पिक्चर्स हैं, आप इनको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आवर नेक्स्ट ग्रुप इज वर्म्स। वर्म्स आर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, ठीक है। आपने वर्म्स को अक्सर जब बारिश का मौसम होता है या कोई बरसात का इस तरह गंदा वाला मौसम होता है तो उसमें आपने देखा होगा, वर्म्स आर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। देयर बॉडी इज़ राउंड एंड सिलेंड्रिकल। उनकी बॉडी क्या होती है? राउंड एंड सिलेंड्रिकल होती है। आपने इन पिक्चर्स में देख रहे हैं, राउंड है, ठीक है, सिलेंड्रिकल है। दे हैव नो लेग्स, उनकी कोई लेग्स नहीं है। अर्थ वॉर्म, राउंड वॉर्म, फ्लैट वॉर्म, इनकी कोई भी लेग्स नहीं होती हैं, ठीक है। द बॉडी ऑफ सम वर्म्स इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। सेगमेंट्स इनको कहा जाता है, पार्ट्स को, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गई होती है बॉडी। तो अर्थ वॉर्म की जो है एंड टेप वॉर्म्स जो होते हैं उनकी बॉडी कहती है डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड। आप देख रहे हो यहाँ छोटी छोटी लाइनें लगी हुई हैं अर्थ वॉर्म के अंदर। द बॉडी ऑफ द सम वर्म्स आर नॉट डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। उन कुछ ऐसे होते हैं जिनके सेगमेंट्स में डिवाइड नहीं हुई होती है, जैसे कि आपके पास प्लेटफॉर्म है, राउंड वॉर्म है, ठीक है, इनके कोई भी पार्ट नहीं है, ठीक है। अर्थ वॉर्म क्या है? सेगमेंटेड है। और राउंड वॉर्म एंड प्लेटफॉर्म्स आर नॉट सेगमेंटेड। सो आवर नेक्स्ट क्लास इज इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स आर इन वर्टिब्रेट्स विद जॉइंटेड लेग्स, ठीक है, इनकी क्या होती हैं? जॉइंटेड लेग्स होती हैं। द बॉडीज वर्म्स की लेग्स नहीं होती हैं और इंसेक्ट्स की लेग्स होती हैं। और इनकी बॉडी भी क्या होती है? सेगमेंटेड होती है, ठीक है। द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। थ्री पार्ट्स होते हैं बॉडी के, हेड, थोरेक्स, एब्डोमन, ठीक है। क्या होता है? हेड होता है, थोरेक्स होता है, एब्डोमन होता है। सिर्फ थ्री पार्ट्स होते हैं। आपने अक्सर कॉकरोच को देखा होगा, मॉस्किटोज, मच्छर, उसको भी देखा होगा, हनी बी को भी देखा होगा, वैस्प को भी देखा होगा। द नंबर ऑफ लेग्स इज सिक्स और थ्री पेयर्स है। जैसे हम ह्यूमंस हैं, हमारी कितनी लेग्स होती हैं? टू होती हैं, लेकिन इंसेक्ट्स की कितनी होती हैं? सिक्स लेग्स होती हैं। आप इधर काउंट कर सकते हैं, वन टू थ्री, वन टू थ्री, ये जो है ना इसके टेंटेकल्स है, ठीक है। द एक्सटर्नल सर्फेस ऑफ द बॉडी इज हार्ड, विच इज कॉल्ड एक्सोस्केलेटन। हम ह्यूमंस हैं, हमारा स्केलेटन कौन सा होता है? एंडोस्केलेटन। और इनका कौन सा होता है? एक्सोस्केलेटन, यानी जिसके जो उनका स्केलेटन है, जो उनका सपोर्ट है, जिससे ये इनकी बॉडी मूव कर सकती है। द एक्सोस्केलेटन प्रोटेक्ट्स एंड सपोर्ट्स द बॉडी। एक्सोस्केलेटन का क्या काम है? इसमें प्रोटेक्ट करना है और सपोर्ट करना है बॉडी को। आप डिफरेंट जो इंसेक्ट्स देख सकते हैं, वैस्प, कॉकरोच, मॉस्किटो, हनी बी। स्टूडेंट्स, नाउ टर्न द न्यू पेज। डू यू नाउ, स्टिक इंसेक्ट्स लुक्स लाइक अ स्टिक एंड इज ग्रीन इन कलर और ब्राउन इन कलर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज वॉकिंग स्टिक, ठीक है। स्टिक इंसेक्ट आप यहाँ देख सकते हैं, आपने अपने घरों में अक्सर देखा भी होगा ये। लीफ इंसेक्ट लुक्स लाइक अ लीफ। बोथ ऑफ दीज हाइड इन द एनवायरमेंट टू रिमेन हिडन फ्रॉम द एनिमी। ये क्या करते हैं? ये अपने एनवायरनमेंट में छुपे रहते हैं ताकि ये अपने दुश्मन से बच सकें। मलुस्क्स, दीज आर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। दे लिव इन द पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, ओशंस, लैंड। दे मूव फ्रीली और रिमेन अटैच टू एनीथिंग। बोथ ऑफ द बॉडी ऑफ द सम मलुस्कस इज कवर्ड विद शेल। मलुस्क जो है उनकी जो डोमिनेंट करेक्टरिस्टिक्स है वो यही है कि इनकी बॉडी में शेल होता है, ठीक है। ये शेल के अंदर छुप भी सकते हैं। स्नेल एंड ऑयस्टर वेयर है सम आर विदाउट शेल। जैसे कि ऑक्टोपस है, उसके पास शेल नहीं होता है। ऑयस्टर और स्नेल है, उसके पास शेल होता है। ये आप देख सकते हैं, ये शेल के अंदर खुद को कवर कर लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि यहाँ पे कोई एनिमल मौजूद है। ऑयस्टर जो है, ये आपने अक्सर अगर कोई समुंदर की देखा हुआ है किसी ने, कराची का या कोई और समुंदर भी, तो उन्होंने वहाँ पर ये देखे होंगे सीप के मोती, ठीक है, ये वो होते हैं। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, व्हेन अ ग्रेन ऑफ साल्ट और सैंड एंटर्स द बॉडी ऑफ ऑयस्टर, जब ऑयस्टर जो है उसके अंदर क्या होगा, साल्ट यानी कि नमक
सैंड यानी कि रेत कुछ उसकी बॉडी में एंटर हो जाएगा इन दोनों में से कुछ भी, ये क्या बना देगा, पर्ल बना देगा यानी मोती बना देगा अराउंड द ग्रेन। इट टेक्स ईयर्स टू फॉर्म अ पर्ल, लेकिन बहुत अरसा चाहिए होता है कि पर्ल्स बने, ठीक है। फ्रेंड्स आवर नेक्स्ट ग्रुप इज एकाइनोडर्म्स। दीज एनिमल्स आर फाउंड ओनली इन ओशन, दे डू नॉट हैव एनी हेड। द एनिमल्स मे बी डिस्क और स्टार शेप्ड और अ लॉन्ग वन, द बॉडी हैज अ स्पाइनी कवरिंग। Starfish, sea anemone and brittle star are the examples of the echinoderms. So students, today we have studied the classification of invertebrates. If you found this video helpful, then don't forget to share it with your friends and family. Till my next video, take care and Allah Hafiz.